আসানসোলে কয়লা পাচারের তদন্তে ইডি এবং সিবিআই সক্রিয় থাকার সত্ত্বেও অব্যাহত এই বেআইনি কাজ। তবে এর বিরুদ্ধে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ করে একটি লিখিত অভিযোগ জানালেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার এআইএমআইএম সভাপতি ড্যানিশ আজিজ। দেখুন এ বিষয়ে কি বললেন তিনি। बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ आज हम लोग सी वी आनंद बोस जी से मुलाकात किए और उनको तीन चार चीज़ों से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम बर्धमान में चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने एक आवाज़ उठाया, एक पुरजोर उनको इन्फॉर्मेशन दिया। आप देख रहे होंगे ये लेटर है, ये लेटर हम लोगों ने गवर्नर साहब को दिया है और इस लेटर में यही लिखा है। इस लेटर में मेनली तीन चीज़ लिखा हुआ है कि पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में मंत्री मलय घटक लॉ मिनिस्टर हैं उनका डिस्ट्रिक्ट में उनके विधानसभा में सबसे ज़्यादा हीरोइन और कोकीन का सेल हो रहा है। बढ़ता हुआ मात्रा इंक्रीज ऑफ सेल ऑफ हीरोइन एंड कोकीन क्यों? उसके बाद हमारे पश्चिम बर्धमान में कोल्स सैंड्स सेल ईसीएल इन सबको लूट कर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तार तार किया जा रहा है और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीआईएसएफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और वाइट कॉलर कुछ लोग हैं और मैंने इसमें कुछ लोगों का नाम भी दिया है गवर्नर साहब को, वो लोग हैं, वो सब इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं थेफ्ट ऑफ मिनरल्स कोल सैंड और स्टील का जो हो रहा है उस सब के जिम्मेदार ये जो 10 लोगों का हमने नाम दिया है इसमें, ये 10 लोग हैं। आपको मैं बता दूँ ये सब 10 जन जो हैं पप्पू सिंह, लोकेश सिंह, कांता शर्मा, तारकेश्वर राय, सैयद इम्तियाज धर्मपुर, वीर बहादुर सिंह, ये टीएमसी के लीडर भी हैं सबसे बड़ी बात। उसके बाद शमशेर हुसैन बहुला पंडेसर के, ये पुराने कोल माफिया हैं, शेख सदरुद्दीन, विकास गोराई, दिलदार और साजिद खान, ये लटुआ के नाम से फेमस है रानीगंज। तो ये लोग जो हैं ये लोग आए दिन इलीगल तरीके से अपने साम्राज्य को बड़ा करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कोल में है, कोई सैंड में है, कोई सेल में है, कोई ईसीएल में है और नुकसान करता जा रहा है। क्राइम वहाँ बढ़ रहा है तो वहाँ प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन कहीं ना कहीं नतमस्तक होकर बैठी है, सब एक दूसरे से सेटिंग की राजनीति कर रही है, सिर्फ और सिर्फ खेला और मेला का खेला चल रहा है बंगाल में। दिखा गया था कि आप कोयला बिक्री कर रहे थे, पुलिस आपको, जाहिर सी बात है ना, कोयला तस्करी कर रहे हैं पुलिस उनको, जाहिर सी बात है बंगाल में कोयला बोलना इलीगल है शायद लेकिन बेचना इलीगल नहीं है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल था मेरा अरेस्टिंग और उसी के हवाले से आज हम लोगों ने आपके गवर्नर साहब को डेपुटेशन दिया है। देखते हैं गवर्नर साहब क्या इस पे एक्शन लेते हैं। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे और इमीडिएटली हम वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसके जानकारी देते हुए एकदम पुरजोर इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आपको क्या लगता है? जाना गया है अभियोग पत्र नाम रहे आसानसोलर अनेक माफिया प्रधान जमन धर्मेंद्र सिंह, पापू सिंह, लोकेश सिंह, कांता शर्मा, तारकेश्वर राय, वीर बहादुर सिंह, शमशेर होसेन, सदरुद्दीन इलियास उर्फे सदू, विकास गड़ाई, शेख दिलदार, सैयद इम्तियाज साजिद खान उर्फे लातुआ প্রমুখদের। এছাড়া আসানসোল প্ল্যান্ট থেকে লোহা ও ইস্পাতের অবৈধ পাচারের সাথে সরকারি ও বেসরকারি জমি বেআইনিভাবে কেনাবেচার বিষয় ও তুলে ধরেছে দানিশ। আসানসোল থেকে ওয়াসিম খানের রিপোর্ট, 24 ঘন্টা লাইভ।